दोस्तों आइए जानेंगे कैसा रहेगा साल 2016 सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह यानी कि शेर, शेर जंगल का राजा कहा जाता है और आपका जो नेचर है वो सिंह से मिलता जुलता है। दोस्तों आप काइंड हार्टेड हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले हैं, ब्रिलियंट एनर्जेटिक एयर आप अपने आसपास रखते हैं, लेकिन आपका नेचर थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी है। तो आज गणेश की प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको साल 2016 में दूसरों की सलाह माननी चाहिए अगर आप अपनी लाइफ में रियल डेवलपमेंट चाहते हैं। तो आपके होरोस्कोप में इस साल जुपिटर की प्रेजेंस होने की वजह से आपको सक्सेस मिलेगी और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपको आपके वर्क प्लेस पर आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाएगा। और इस साल आपकी लाइफ में आपको टेरिफिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, वो भी ओपन आर्म्स के साथ। लव और रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ये साल आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आपके जो रिलेशंस हैं या जो लव रिलेशन है आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप थोड़ा बाहर जाइए और ताकि इससे होगा क्या, आपकी इंटरेक्शन होगी अट्रैक्टिव मेंस और वुमेन्स के साथ, तो आपको आपका लव ढूंढने में आपको हेल्प मिलेगी। जो कपल हैं और अगर वो लव अफेयर में हैं तो वो मैरिज के बंधन में, शादी के बंधन में बन सकते हैं। और दोस्तों नवंबर का जो महीना है, नवंबर का जो मंथ है, वो मैरिजेस के लिए या इस तरह की एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस है। प्रोफेशन के लिए देखा जाए तो आपके लिए साल अच्छा ही रहने वाला है क्योंकि बिजनेस मार्केट के लिए ये हाई टाइम है। और आपको करना क्या है उसके लिए दोस्तों, आपको अपना जो गोल है, आपका जो टारगेट है, उसको आप शुरुआती महीनों में, शुरू के पीरियड में ही सेट कर लें। जो सैलरीड पीपल हैं, अगर आप जॉब में हैं तो आपको आपके सीनियर्स की गाइडेंस मिलेगी और आपको आपकी सैलरी में हाइक भी मिलने वाला है। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स में अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। फाइनेंशियली देखा जाए तो ये साल आपके लिए अच्छा ही रहेगा क्योंकि आपका अगर कोई रुका हुआ धन है, रुका हुआ पैसा अगर कहीं है तो वो आपको मिल जाएगा। फैमिली और सोशल लाइफ की बात करते हैं हम, तो आपकी फैमिली और सोशल लाइफ इस साल अच्छी चलने वाली है और आपको आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपकी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी फैमिली का दिल जीत लेगी। आपको आपके जो पुराने फ्रेंड्स हैं, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर के लिए भी प्लान करने का मौका मिलेगा और आपका बॉन्ड आपके स्पाउस के साथ स्ट्रांग होगा। ट्रेवल पर आते हैं दोस्तों, ट्रेवल की बात करते हैं तो यात्रा के लिए, ट्रेवल के लिए ये साल आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। आपके जो लव्ड वंस हैं, जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो आपके बेहद प्यारे हैं, उनके साथ आपको इंटरनेशनल ट्रिप का चांस मिलेगा और ये आपके माइंड को रिलैक्स करेगा और स्ट्रेस को भी कम करेगा। अगर आप अब्रॉड सेटल होने का सोच रहे हैं तो दोस्तों ये सही वक्त नहीं है, सही टाइम नहीं है, आप थोड़ा सा इंतजार करें। जो स्टूडेंट्स बाहर जाकर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए भी बेहतर है कि वो अपनी होम कंट्री में रहकर ही स्टडीज को आगे कंटिन्यू करें। हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ पर आते हैं तो हेल्थ के मामले में आपके लिए साल थोड़ा सा परेशानी वाला रहने वाला है, थोड़ा सा ट्रबलसम रहेगा ये यार आपके लिए। आप अपनी बॉडी में एनर्जी लेवल में चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे। आपको जैसे एक्टिविटीज हो गया, डांस, स्पोर्ट्स, योगा या कार्डियो क्लासेस हो गई, ऐसी जो एक्टिविटीज हैं उनमें आपको एनरोल होने की जरूरत है। और साल का जो मिड पार्ट है, साल के मिड में
आप अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज करेंगे। और इससे होगा क्या, ये आपकी रियल इनर सोल जो है उसको अल्टीमेटली वो आपको पीस देगी। बहुत ज्यादा शुगर और स्वीट्स आप अवॉइड करें क्योंकि आपको डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं। सेहत का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें आप। ॐ नमः पतये नमः।